ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਲਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 22, 23 ਅਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਖਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਇਲਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਹਮ ਇੱਕ ਨੋਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਮੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਹਰਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। तो मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए। और अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें तो वहाँ पे आइल्स मैंडेटरी है जी। तो वेस्टर्न ओवरसीज आइल्स में अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को आइल्स करा के बाहर भेज चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की पीड़ा हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो 6-6 महीने, साल साल, 2-2 साल से आइल्स कर रहे होते हैं, लेकिन उनका स्कोर नहीं आ पाता। तो हमने, सारे स्टाफ ने, प्लस में बीसी और आईडीपी के जो सर्टिफाइड ट्रेनर, उन सब ने मिलकर यही चीज़ सोची कि भाई हम उन स्टूडेंट्स का कैसे भला कर सकते हैं जो आइल्स करना चाहते हैं लेकिन स्कोर नहीं ले पा रहे। तो उसी सब चीज़ को देखते हुए हम टाइम टू टाइम वर्कशॉप भी लगाते हैं ताकि बच्चे आए और उस चीज़ का एडवांटेज लें, आइल्स की मास्टर क्लास भी लगाते हैं। और अब की बार हम लगा रहे हैं आइल्स रियलिटी टेस्ट। आइल्स रियलिटी टेस्ट का मतलब क्या है, पहले ये समझना जरूरी है स्टूडेंट्स को। देखिए, महीने में 4 बार बीसी, ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी के पेपर होते हैं, 4 बार डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में जी। तो बच्चे वहाँ पे अपीयर होते हैं, बट काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर नहीं आ पाता। रीज़न क्या होता है कि उनकी प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही होती है जहाँ भी, जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, लेकिन फाइनली एग्ज़ाम में वो अपना अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता। 3-4 चीज़ें हैं, मे बी जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है उसको कोचिंग अच्छी नहीं मिली, लेकिन उसके जो फैकल्टीज़ हैं वो उसको मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर दे रहे हूँ। मे भी बच्चा अच्छी कोचिंग ले रहा हो लेकिन फाइनल एग्जाम में उसको फ्योर हो जाता हो। फ्योर का मतलब उसको, मतलब एक हवा, डर, फोबिया जिसको बोलते हैं कि फाइनल एग्जाम में पता नहीं क्या होगा। तो बच्चे प्रूव नहीं कर पाते। तो ये आइल्स रियलिटी टेस्ट उस फोबिया को दूर करने के लिए है जी। ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो अपना आइल्स को क्रैक करना चाहता है फर्स्ट अटैम्प्ट में। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये आइल्स रियलिटी टेस्ट रखा है। तो इसमें हर एक उस बच्चे का मैं वेलकम करना चाहूँगा जो आइल्स की कोचिंग कहीं से ले रहा है, जिसने 1 बार 2 बार या 5 बार आइल्स दे दी लेकिन उसका स्कोर नहीं आ रहा है, एक बार जरूर आइए इस आइल्स रियलिटी टेस्ट में। इस बात की गारंटी है कि हम आपको वही एटमोसफेयर देंगे जो ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी के फाइनल एग्जाम में होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये 23 सितंबर को ये कुरुक्षेत्र में है। हमारा ऑफिस जो कुरुक्षेत्र में है वो पुराने बस स्टैंड के सामने पड़ता है, होटल सिल्वर सैंड है, उसकी बैक साइड में, सेक्टर 17 में। और 24 तारीख को हमने करनाल में रखा है, ये करनाल में बस स्टैंड की बैक साइड में हमारा ऑफिस पड़ता है। और 29 सितंबर का हमने चंडीगढ़ में रखा है, फ्राइडे का दिन है। तो आप 35C में हमारा ऑफिस है, निक बेकर रेस्टोरेंट के ऊपर, वहाँ पर आ सकते हैं। सुबह 9:30 पर ये स्टार्ट हो जाएगा। आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हैं या वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से, आप आइए, ये टेस्ट दीजिए और आप खुद देखिए कि कितना डिफरेंस है। क्योंकि हम आपको वो सारी चीज़ें देंगे, वो सेम माहौल देंगे जो आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल के फाइनल एग्ज़ाम में होता है। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद की इस बात की श्योरिटी है कि जो फोबिया है वो तो दूर हो जाएगा। साथ साथ में बाद में हम आपको रीडिंग और राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के टिप्स भी देंगे ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम में वो चीज़ें काम आएंगी। तो अगेन नोट कर लीजिए, 23 तारीख को कुरुक्षेत्र, 23 सितंबर कुरुक्षेत्र, 24 सितंबर को करनाल और 29 सितंबर को चंडीगढ़ में है। एक नंबर है 9115017017, या इस पर कॉल करके, या फिर मेरा फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज 172, इस फेसबुक
फेसबुक पेज पे अपनी क्वेरीज या रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी डेट बुक कर सकते हैं जी। फाइनल एग्जाम की फीस 11,900 होती है, यहाँ आपको फाइनल एग्जाम की फीस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 200 रुपये में आप रजिस्ट्रेशन करिए और जो अपना फोबिया है वो दूर करिए। सो एक इवेंट जो वेस्टर्न ओवरसीज वालों किया जा रहा है जिसका नाम आयल्स रियलिटी टेस्ट है, 23, 24 ते 29 तरीक न जोड़ा इवेंट किया जा रहा है आयल्स वाले बच्चों के लिए, खास करके बच्चों के लिए जो आयल्स करना चाहते हैं, जो बार बार आयल्स ट्राई कर चुके हैं पर डिजायर बैंड नहीं ले पा रहे। सो गलबात आयल्स की चल रही थी अपनी, एक बच्चा जदों आयल्स करता है दो चीज़ा रह जाए, जो ठगी की गल करिए अज आयल्स तो शुरू हो रही है, बच्चे लुभावनिया चीज़ा दसिया जा रही ने, गरंटियां दतिया जा रही ने, 7 बैंड 8 बैंड की एड दिखा के बच्चों की एडमिशन की जा रही है। दूजी चीज़ जी रह जाती है बच्चे प्रॉपर तरीके समझाया नहीं जा रहा, एक नीह कह दें जड़ा कह दें, आयल्स में जड़ मन के चल सकते, एक बच्चा जो बाहर जाता सुपना देखता है सब तो पहला स्टैप रहा, दोवें पासे बच्चे नाल ठगी या हेराफेरी मैं कह रहा हो रही है अज मार्केट के। सो तुसी जो अज आयल्स का एक बीड़ा चुकया, किवें एक बच्चा आयल्स इंस्टीट्यूट की पहचान करे, की चीज़ा एक चंगे आयल्स इंस्टीट्यूट के मानते हो कि होनिया चाहिए? कुलदीप जी, आज की डेट में मैंने एक मार्केट में चीज़ देखी है, जो नए नए इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो अपने आप को, मतलब वो खुद पढ़ाते नहीं है लेकिन अपने ऑफिस में बच्चों की भीड़ करने के लिए कुछ लुभावने, मतलब ऐसी कुछ स्कीम निकालते हैं कि 999999 तकरीबन 1,000 रुपये में आयल्स करिए, ठीक है 395 में आयल्स करिए, 495 में आयल्स करिए, 595 में आयल्स करिए, तो वो दिखा के बच्चों को ले लिया जाता है, और या फिर फ्री आयल्स करिए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, उसमें क्वालिटी नहीं मिलनी, क्वालिटी नहीं है उसके पीछे। एक तो ये प्रॉब्लम है कि वो बस भीड़ करना चाहते हैं, उसमें से 5-4 बच्चों के डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेते हैं ताकि अगर स्कोर आ जाए किसी का तो उसका वीज़ा लगवा लें, तो यहाँ पे काफ़ी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है। जो इंटेलिजेंट होता है वो तो खैर अपने आप ही कर लेता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो एवरेज या बिलो एवरेज होता है वो ठगा जाता है, उसका टाइम वेस्ट होता है, बाद में फिर उसको किसी और इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है। दूसरा, एक तो ये ठगी है, दूसरी ये ठगी है कि स्टूडेंट जब चंडीगढ़ की तरफ आता है या किसी पंजाब में या हरियाणा के किसी भी, कि वो नाम को देख के कि भाई वहाँ पे भीड़ है वहाँ भी पहुँचते हैं, लेकिन कंपनी का त्रासदी रह गई कि कई बार कई वड्डा जड़ा एक ब्रांड बनाया सी आज वो भी गलत राह तो जी देखने को मिलता जी जी जी। तो वो क्या होता है कि बड़ी बड़ी फीसें ले लेते हैं, 15, 16, 17, 19,000, 20,000 रुपये पर मंथ, लेकिन वो उस कंपनी के डायरेक्टर या ओनर को कभी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बच्चे का स्कोर आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। आजकल तो मैंने फ्रेंचाइजियां दीतियां हुई हैं कि काम कहूर कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी भी हैं या फिर खुद भी चला रहे हैं, तो लेकिन वो खुद नहीं पढ़ाते, सिर्फ एंड सिर्फ स्टाफ होता है, तो वो भी मतलब भीड़ में क्या होता है कि अगर 100 बच्चे हैं 10 बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ गया तो उसको उछाल के फिर मार्केट में दिखा के फिर और बच्चों को इनरोल किया जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेजडी है कि ऐसे बच्चे मतलब इस तरह से भी भटकते हैं कि भाई हाँ चलो उसका नाम सुना है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो डेमो दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या वहाँ पर सर्विसेज मिल रही या नहीं मिल रही, लेकिन बच्चा फिर भी पहुँच जाता है, तो ये फिर वो इधर उधर से ठग के मतलब अपने पैसे ख़राब करके, कैन यू बिलीव, लाखों रुपये बच्चा आयल्स में ख़राब कर लेता है और तब भी उसका स्कोर नहीं आता। तो ये आपको देखना पड़ेगा, वेस्टर्न ओवरसीज आपके सामने, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं आपको फ्री डेमो दूंगा, आप आइए देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर्स। फ्री डेमो वही बंदा देगा जो रियली में हार्डवर्क करेगा, जेन्युइन होगा और जिसके पास फैकल्टी अच्छी होगी। आप चाहे करनाल हैं, चाहे आप कुरुक्षेत्र हैं, चाहे आप अम्बाला हैं, चाहे आप चंडीगढ़ हैं, चाहे अमृतसर हैं, तो इन सेंटर्स में आप आइए और डेमो लीजिए, आपको खुद पता लगेगा क्या डिफरेंस है। और साथ में जो हम अगेन बताना चाहूँगा, जो हम ये रियलिटी टेस्ट दे रहे हैं करवा रहे हैं, तो इसमें आइए 23 तारीख को कुरुक्षेत्र, 24 सितंबर को करनाल और 29 सितंबर को चंडीगढ़, और देखिए कि किस तरीके से आप स्कोर ले सकते हैं, और जो वहाँ पर हमारी फैकल्टी होंगी बीसी और आईटीपी सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे, किस तरह की आपको टिप्स देते हैं जो आपको रियली में मील का पत्थर साबित होंगे आपका स्कोर दिलाने में। जी, एक बच्चा जिहड़ा आयल्स कर रहा है वो बच्चे नूं पता है किवें पेपर देना है, वो आके इस रियलिटी टेस्ट के विच एक एग्जाम दे सकता, उस तरह का माहौल जिहड़ा उन्हूं दिता जाएगा जिहड़ा फाइनल जिहड़ा टेस्ट के विच। एक बच्चा जिन्हें हजे आयल्स करनी है कि वो बच्चा भी आके देख सकता है किवें उहदा टेस्ट होएगा अगर वो कोचिंग लैंदा है या तो एक महीने बाद जिहड़ा टेस्ट दे रहा वो बच्चा? डेफिनेटली उस बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है कि उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी उसकी जो शुरुआत है उसको वो अगर रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग का वो माहौल देख लेगा, ठीक है, उस फाइनल उस एग्जाम में बैठ जाएगा तो उसका माइंड पहले ही क्लियर होगा कि उसको करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और फाइनल एग्जाम में होना किस तरीका है, तो उसके लिए तो बहुत मस्त है। जो आयल्स करने की सोच रहा है वो भी आए,
ज़रूरी नहीं है कि भाई वो पास ही हो, लेकिन वो एक माहौल को देखे कि एक्चुअली में लिसनिंग कैसे होती है, स्पीकिंग कैसे होती है, रीडिंग कैसे होती है, राइटिंग कैसे होती है, एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है, कब इसका रिज़ल्ट आना होता है, पेपर की मार्किंग कैसे होती है, तो सारी चीज़ें बच्चे को वहाँ से पता लगती है। जब वो रियल माहौल में से निकलता है तो डेफिनेटली फिर उस हिसाब से वो मेहनत करता है और फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है और फाइनल एग्ज़ाम में अपने को प्रूव करके दिखाता है। जी, सो बच्चों नू मेरी भी निजी सलाह रहेगी, जिहड़े भी नेड़े दे बच्चे ने वो इस रियालिटी टैस्ट दे विच जरूर जाण, जिथे लखां हज़ारां रुपए लगाए जा रहे, एक महज 200 रुपए की फीस जिहड़ी दे के तुसी वो माहौल देख सकते हो, वो पैटर्न देख सकते हो जिस विच तुहाडा फाइनल एग्जाम होएगा। जिहड़े बच्चों ने पहली बार आइलैट्स का टैसट देना उन्होंने लिए काफ़ी लाहेवंद रहिंदी जिहड़ी इस तरह दी वर्कशॉप्स ने, इस तरह के रियालिटी टैसट ने, खास करके वैसटर्न ओवरसीज वालों एक बीड़ा चुकया गया। हर बार तकरीबन 1-2 महीने बाद इस तरह का कोई ना कोई इवेंट्स जिहड़ा जरूर तुसी लैके आउंदे हो। खास की कहना चाहोगे बच्चों जिहड़े आना चाहुंदे ने, उस तों बाद स्टूडेंट वीज़ा की जिहड़ी गल करांगे। देखिए, मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा, जहाँ हमारे पास लिमिटेड सीटें हैं तीनों सेंटर्स में, चाहे वो कुरुक्षेत्र है, चाहे करनाल है, चाहे अपना चंडीगढ़ है, तो आप टाइम रहते प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 200 रुपये आपने पे करने हैं। आप एक नंबर नोट कर सकते हैं, 9115017017। इस पर कॉल करके नीरेस्ट ब्रांच, क्योंकि ये चंडीगढ़ में पहले ये फ़ोन बजेगा, तो वहाँ की काउंसलर्स को बता के कि भाई आपको कहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, चंडीगढ़ कराना है या कुरुक्षेत्र कराना है या करनाल कराना है, तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जैसे मैंने बताया, मेरा फेसबुक पेज वेस्टर्न ओवरसीज 172, आप उस पर भी लाइक करके और अपना क्वेरीज और अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि आपको टाइम रहते हम आपको सर्विसेज दे सकें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और आने वाले बच्चे बहुत हैं, क्योंकि इसमें राजस्थान से भी बच्चे आएंगे, यूपी से भी आएंगे, जम्मू से भी होंगे, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, इवन के दिल्ली से, जयपुर से, हर जगह से बच्चा होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इवन के बॉम्बे तक के बच्चे यहाँ पे आते हैं, टाइम रहते अपना रजिस्ट्रेशन कराइए प्लीज़। नंबर दिखाया जा रहा है, नंबर दिखाने का मकसद यही रहता है, जिहड़ी जानकारी तुसी लेना चाहुंदे हो, सवाल, कोई भी शंका, कोई भी डाउट तुहाडे मन दे विच, उस नूं इस नंबर दे जरिए कॉल करके जिहड़े सांझा कीता जा सकदा। स्टूडेंट वीज़ा दी गल करांगे, अज कैनेडा दी गल करनी, जिहड़ी सब तों पहलां गल करनी मेरे ख्याल जरूरी होगी, बच्चा कैनेडा जाना चाहुंदा, सवाल कैनेडा संबंधी आ रहे ने, पर दूजे पासे देखिए तां अज किते ना किते थोड़ा जिहा औखा हो गया, ऑफर लैटर्स काफ़ी जिहड़े देरी नाल आ रहे हैं, मजोरिटी बच्चों का सवाल यही है कि 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, ऑफर लैटर्स नहीं आ रहे, की रीजनस ने इस पिछे? कुलदीप जी, अभी मैं कुछ टाइम पहले कनाडा था और मुझे चांस मिला कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के मतलब प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और CEO से मिलने का, तो इसमें यही चीज़ निकल के आई है, और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मैं मिला हूँ, तो यही चीज़ निकल के आई है कि आज की डेट में जो कनाडा है वो एक सिर्फ इंडिया से नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे ले रहे हैं। बिल्कुल, तो अब इंडिया से तो मोस्टली फ्लड है, आप देख लीजिए कि न्यूजीलैंड जाने वाले बच्चे कम हैं आज की डेट में, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले कम हैं, यूरोप, UK, USA कम है, हर किसी को, हर एक बच्चे का क्वेश्चन यही है, अगर आप अपने क्वेश्चन की लिस्ट भी देखोगे तो मोस्टली कनाडा की है। उसके पीछे रीजंस यही है, क्योंकि ये फ्लड जो आया है, वो फ्लड के चक्कर में कॉलेजेस के जो ग्राफ है वो एकदम बहुत हाई हुआ है, 300%, 500%, 700%, 1000%, 1000% तक ग्राफ उठाए, मतलब किसी के बच्चे के पास, मान लो किसी कॉलेज के पास 1000 सीटें हैं, तो 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार उनके पास अप्लीकेशन आई हैं, तो रिसोर्सेज उनके पास वही हैं, मैन पावर वही हैं, काम उन्होंने वही करना है, 1000 बच्चों को एडमिशन देना है, बट एडमिशन 11,000 को, तो 10,000 को तो उन्होंने डिनाई ही करना है। और इंडिया में क्या हो रखा है, सिर्फ कनाडा, दैट इज़ द रीज़न कि आज की डेट में रिसोर्सेज कम होने के कारण कॉलेजों के पास, प्लस में अप्लीकेशन ज़्यादा हैं और मैन पावर उनके पास कम है और सीटें कम हैं, तो अप्लीकेशंस तो डिनाई होनी ही होनी है। अब वो बच्चे जिनके ऑफ़र लेटर नहीं आ पाएंगे, तो प्लीज़ वो अपनी होपलेस ना हो, वो अगले मई इनटेक के लिए, सितंबर इनटेक के लिए रेडी रहें। कोई बात नहीं, अगर आपको जैन नहीं मिलता तो आप मई तो है, मई नहीं तो सितंबर तो है, तो आपको ज़रूर मिलेगा, बसरते होप ना खोएं। और वेस्टर्न ओवरसीज़ आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है, चाहे आप अमृतसर मिलना चाहते हैं तो अमृतसर आइए, चंडीगढ़ आना चंडीगढ़ आइए, जलंधर, इसके अलावा अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जो भी नियरेस्ट है, वेस्टर्न ओवरसीज़ की डेडिकेटेड टीम आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी है, बट कीप इन माइंड टाइम पे अप्लाई करेंगे तभी हम हेल्प कर पाएंगे। जी, सो रश की गल की तुसी, कैनेडा फाइल जिहड़ियां काफ़ी वड्डी गिणती दे विच लाईयां जा रही ने, पर दो तरह का बच्चा, एक बच्चा तो जाना ही कैनेडा चाहता,
ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। देखिए स्टूडेंट एलिजिबल आज की डेट में एक SPP है, स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर 47 कॉलेजेस हैं, 6 बैंड नो लेस देन 5.5, ओवरऑल परसेंटेज 50%, लेकिन आज की डेट में 50% की भी कोई वैल्यू नहीं है, 60% हो, 65 हो, 70 हो एंड अबव, क्योंकि आज की डेट में बहुत बच्चा जा रहा है। तो 50% से ऊपर बच्चा एलिजिबल है, लेकिन 6 बैंड नो लेस देन 5.5, मेजर सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आप जाइए, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में अगेन 6 बैंड या 6.5 बैंड और परसेंटेज आपकी 60% के आसपास हो, लेकिन आज की डेट में जो सिंगापुर मलेशिया भी नहीं जा पा रहा उस बच्चे को भी आप कैनेडा भेज रहे हो विदाउट आयल्स, परसेंटेज कम, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीन टाइप के बच्चों को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है लेकिन आयल स्कोर कम है, लेकिन आप जेन्युइन हैं, तो मैं पहले बच्चे उन बच्चों को बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप आयल्स करिए, अगर नहीं करते फिर भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा चांसेस हैं लेकिन गारंटी नहीं है। दूसरे बच्चे हैं SPP 6 बैंड नो लेस देन 5.5, परसेंटेज 50% एंड अबव, आप एलिजिबल हैं, या फिर यूनिवर्सिटी कैटेगरी 6.5 बैंड और परसेंटेज 50%, 55%, 60%। तो इन स्टूडेंट्स को मैं इन्वाइट करना चाहूँगा, लेकिन जिस बच्चे की परसेंटेज कम है, मान लो आपके परसेंटेज 50% या 55% है, आयल्स में स्कोर 5 बैंड या 5.5 बैंड है, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, वीज़ा आने के चांसेस कम है। हाँ, आपकी परसेंटेज 75, 80, 90% है, 80, 85% या 75 या 60% अबोव भी है और 5.5 बैंड है, आप रिस्क ले सकते हैं, बट गारंटी आपकी भी नहीं है, गारंटी तो किसी की भी नहीं है, लेकिन जो SPP के अंदर है या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर है उन बच्चों के चांसेस हाई रहते हैं, लेकिन जिसकी परसेंटेज कम है और उस तरह से आयल्स भी कम है, वहाँ प्रॉब्लम है। और ऐसे बच्चों को ठगा जा रहा है, कंसल्टेंट ऐसे बच्चों का वीज़ा नहीं लगवा रहे, उनका वीज़ा रिजेक्ट करा के पैसे कमा रहे हैं जी। सो जिक्र गल करिए, बच्चा न्यूजीलैंड भी गया, ऑस्ट्रेलिया भी गया, काफ़ी बच्चे सक्सेस भी हुए हैं, पर अज हर बच्चे नू कैनेडा ही भेजा जा रहा है, चाहे वह न्यूजीलैंड लिए एलिजिबल है या ऑस्ट्रेलिया के लिए। की देखते हो भी जो अज 6 बैंड से भी रिजैक्शन देखने को मिली, 6.5 बैंड से भी मिली, जो वो बच्चा न्यूजीलैंड अप्लाई कर लैंदा या ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर लैंदा तो वह बच्चा फायदे च रहिंदा या नहीं? श्योर फायदे में रहता, बट ऐसी बात नहीं है, जिन बच्चों के 6 बैंड है 6.5 बैंड है, इट डज नॉट मीन कि आपका वीज़ा नहीं आएगा। पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपकी रिजेक्शन आई है रश करके आई सी कहते तो आप आइए, आपका वीज़ा लगेगा, अगर आपको सीट मिलती है तो चांसेस आर देयर कि आपका वीज़ा लग सकता है, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज कम है, आयल्स में स्कोर भी कम है, तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी और कंट्री में आप अप्लाई करिए। बट ऐसे बहुत से बच्चे थे जिन्हें जो परसेंटेज भी ठीक थी, आयल्स स्कोर भी ठीक था, वो जाना न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया चाहते थे लेकिन वो जा नहीं पाए ड्यू टू द फंडिंग, ठीक है, उनको एजेंट्स ने मोल्ड कर दिया या खुद वो मोल्ड हो गए। तो ऐसे स्टूडेंट को रिकमेंड करूँगा, जो दिल बोले वो करो, अगर आपके पास आप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं ठीक है, फंडिंग करिए, आप वहाँ जा सकते हैं, अच्छी बात है, वहाँ आप अच्छा कर पाएंगे क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है। अगर नहीं है तो ठीक है, कनाडा आपकी वेट कर रहा है, कनाडा भी आप जा सकते हैं, बट अगेन एलिजिबल स्टूडेंट जाए। एक पॉइंट तुसी छेड़िया कि फंडिंग दे करके बच्चे नू न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया तो मोल्ड कर लिया जाता कैनेडा, पर की फंडिंग ज़्यादा औखी है या बहुत ज़्यादा अमाउंट है कि कोई शो नहीं कर पाता? देखिए अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो जो बच्चे एडवांस डिप्लोमा में जा रहे हैं उनको 18 से 20 लाख के फंड दिखाने हैं, जो बच्चे बैचलर्स में जा रहे हैं 22 से 25 लाख के फंड दिखाने हैं, करंट फंड भी एक्सेप्टेबल है लेकिन सोर्स होना चाहिए, जेन्युइन सोर्स होना चाहिए, जैसे कोई रिटायरमेंट का पैसा आया, पर्सनल लोन लिया, LICs का पैसा आ गया, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी सेल होगी, लेकिन या फिर आपके पास ये पैसा इस तरह से सोर्स के साथ नहीं था, 3 महीने पुराना हो या एजुकेशन लोन हो। बट ट्रेजडी ये है कि पहले एजुकेशन लोन न्यूजीलैंड में गलत लगाए गए, अब ऑस्ट्रेलिया में बच्चे गलत लगा रहे हैं, ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वो क्या नाम है, फंड्स उनके पास नहीं है, वो पुराने फंड्स नहीं करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, इस कारण से वो बच्चा फिर कहीं ना कहीं ना न्यूजीलैंड जाना चाहता ना या फिर वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहता है, जाना चाहता है तो वो फिर कहीं ना कहीं उसकी कुछ परिस्थितियाँ या उसकी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि उनको मोल्ड कनाडा के लिए होना पड़ा, क्योंकि कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो ना तो फंड मांगता है, ठीक है, ना कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगता है, तो ये भी एक रीज़न है कि जो भीड़ कनाडा में देखी गई है कि बच्चा सोचता है 6 बैंड आ गए, चलिए चलो ना यार कनाडा ही निकले, या फिर आज की डेट में कुछ मार्केट में ऐसे बैठे हैं
तो जो बागड़ बिल्ले में बोलता हूँ ऐसे बंदों जी को जी जो मतलब पैसा स्टूडेंट को रिजेक्शन करा के कमा रहे हैं या पैकेज लेके कमा रहे हैं कि भाई विदाउट आयल्स या 5.5 बैंड या परसेंटेज कम पे बच्चों के पैसे के साथ बच्चे के करियर के साथ खेल रहे हैं, और उस कारण से भी भीड़ बनी है मार्केट उधर, क्या नाम है, कैनेडा में। तो जी ये कुछ रीजन्स है जिसके कारण भीड़ ही सारी एक तरफ से पूरा ही शो कनाडा का हो गया है, और इस कारण से कनाडा भी उग गया है। वहाँ के कॉलेजेस को भी प्रॉब्लम होने लगी हैं कि एप्लीकेशंस इतनी मतलब इतनी और उस वॉल्यूम में आ रही हैं कि वो हेल्पलेस हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जी काफ़ी जरा थोड़ा समा पहला की गल कर लिए, बच्चे के सवाल होंगे सी कि मैं कैनेडा जाना है, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना है, सिर्फ कंट्री का नाम लैके आता सी, प्रोविंस नहीं पता होंदा सी, सिटी नहीं पता होंदा सी, आउटकम्स नहीं पता होंदा सी, दो सवाल, मैं कैनेडा जाना है, किन्ने पैसे लगनगे, पक्का हो जाएगा या नहीं। पर अज काफ़ी कंसल्टेंट इस तरह काम कर रहे हैं कि बच्चे नूं दस्या ही नहीं जा रहा, जां कंसल्टेंट्स नूं जानकारी नहीं, अगे तो अगे टाई अप्स ने या होर कंसल्टेंट्स नाल काम कर रहे हैं कि किहड़े प्रोविंस विच भेजांगे, किहड़े कॉलेज भेजा जाएगा, किहड़े कोर्स लई भेजा जाएगा। सो बच्चा इस हेठले पद्धर तक जानकारी लवे अपनी फाइल की, या उस कंसल्टेंट नूं दे देवे जिहड़ा सिर्फ पैसों की गल कर रहा है, जां कैनेडा पहुँचण तक की गल कर रहा है। देखो सर, यहाँ तो आपा मरे स्वर्ग मिलेगा, खुद करेंगे तभी कुछ पता लगेगा। और जो बच्चे सिर्फ कंसल्टेंट पे बिलीव करते हैं या फेथ करते हैं या उसके सहारे कि उसको बोलते हैं कि मुझे तेरे पे ही ब्लाइंड फेथ है, या उसको कहीं ना कंसल्टेंट कहीं दसना नहीं चाह रहा, एक बच्चे नाल गल हुई, वो खुद बच्चे दी वर्डिंग है कि कंसल्टेंट का कहना है ते तेरा वीज़ा आएगा, कैनेडा का वीज़ा आएगा, कॉलेज साड़ी मर्जी का आएगा, उत्थे जाके चेंज कर ली, की देखते हो इस तरह के कंसल्टेंट को ये रॉन्ग बच्चा प्रैक्टिस अप्लाई है, ये करेगा। रॉन्ग प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से। और वो फेक कमिटमेंट कर रहा है, एम्बेसी उसके बाप की नहीं है कि वो वीज़ा दे देगी, ठीक है। ये सब बच्चे को मिसगाइड किया जा रहा है, इसमें वीज़ा लग भी सकता है, अगर नहीं लगता तो बच्चे के करियर के साथ स्पॉइल, बच्चे का करियर स्पॉइल है। जी जी और मैं जब अब कैनेडा में था, तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो वहाँ मैंने जो सिचुएशंस देखी है कि बच्चा मिसगाइड होके आया हुआ है, बच्चे को बताया गया कॉलेज यहाँ पे मिलता, वो 200 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल रहे वो कहीं और रहा है, पहुँच कहीं और रहा है, क्लासेज उसकी कहीं और लग रही हैं, जिस प्रोग्राम में उसको जाना था इंटरेस्टेड प्रोग्राम में वो वहाँ पे उसको भेजा नहीं है। तो ये सिचुएशंस निकल के आ बच्चा रही नहीं, हैं। फीसेस नहीं और भरिया गई बच्चों हाँ, दस्या और गया ऐसा जो भी हुआ आज की डेट में जो इमिग्रेशन मतलब कंसल्टेंट को भी जो 2-3 बार जा रहे हैं ना, मतलब कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जिनके टाइम टू टाइम वहाँ पे रूट लगते रहते हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है। और स्टूडेंट्स को भी, स्टूडेंट से पूछा जा रहा है एयरपोर्ट पे, क्योंकि ठगी हुई है, गलत उसकी क्या नाम है, फेक उसकी क्या नाम है, ऑफर लेटर फेक उसकी, GIC, बच्चा पहुँच भी गया कैसे न कैसे करके। तो एयरपोर्ट पर बड़ी स्क्रीनिंग हो रही है कि जी भाई आपका आयल स्कोर कितना है, आपकी परसेंटेज कितनी है, किस कोर्स में जा रहे हो, किस कॉलेज में, फ़ीस कितनी आपने पे की है, उसकी रिसिप्ट दिखाओ या GIC की रिसिप्ट दिखाओ। बहुत बड़ा ये एक सिस्टम बिगाड़ दिया है यहाँ के कंसल्टेंट्स ने, एजेंट्स ने, गलत काम करके, जो आने वाले टाइम में बच्चे, जो अच्छे बच्चे वो भी भुगतेंगे। जी सो बच्चों नूं रिसर्च करने की लोड़ है, बाद में फिर दस्या जाता है भेदभाव किया जा रहा है। जे ऑस्ट्रेलिया की गल करिए तो एक बार पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के वीज़ा रिजेक्ट हुई थी तो भेदभाव की गल की जाती सी, पर यह नहीं दस्या गया कि किस तरीके नाल गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए गए सी, बच्चों ने नहीं लगाए तो कंसल्टेंट्स ने लगाए सी। सो समा जरा खत्म होने करके चर्चा को अगर नहीं बता सकेंगे, शुक्रिया धन्यवाद सर शो जी के बचाने थैंक यू, लिए। जी थैंक यू। कोई भी गलबात करना चाहते हो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, वैस्टर्न ओवरसीज 172 फेसबुक पेज जरिए सर के जुड़िया जा सकता, अपॉइंटमेंट लैके मिलिया भी जा सकता है। फिलहाल दे लिए मैंने दो इजाजत, धन्यवाद, सत श्री अकाल। अब हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्ले ग्राउंड में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ प्लेयर्स फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के फुटबॉल प्लेयर हैं। इसमें कैनेडियन भी हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि भी वियतनामी भी हो सकते हैं, इसमें साउथ अफ्रीकन भी है, या अदर कंट्री के पार्ट से भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो कि पीछे अपना एंजॉय कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। कशिश बताइए कैसे चलता है यहाँ पे? CBU ने हमेशा एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि स्टूडेंट्स अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्म कर सकें। यहाँ से काफ़ी अच्छी टीम्स निकली हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, हमारी वुमेंस की बास्केटबॉल टीम है वो अटलांटिक कनाडा में नंबर 1 है और वहाँ से काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ से निकले हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर भी अभी फुटबॉल टीम की प्रैक्टिस चल रही है और यहाँ पर अच्छे कोच प्रोवाइड किए गए हैं हमें साथ साथ, और यहाँ पर कोई भी गेम सिर्फ बास्केटबॉल और फुटबॉल ही नहीं, उसके अलावा आइस हॉकी है, जिम है, वेट लिफ्टिंग है, क्रिकेट है, गोल्फ है, सबको अच्छे प्लेटफॉर्म अच्छे लेवल पे प्रमोट किया गया है CBU थ्रू। ओके, अगर देखें ये साथ में यहाँ पे स्टूडेंट रेजिडेंस है, यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट रेजिडेंस है एक तरह से, जिसको हॉस्टल बोलते हैं। आप देख सकते हैं जो ग्रीन बिल्डिंग है, तो अगर किसी स्टूडेंट को बाहर नहीं रहना तो वो स्टूडेंट रेजिडेंस में भी रह सकता है, बट उसके लिए उसको पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा और तभी वो इसमें रह सकता है। और यहाँ कोई स्टूडेंट जो भी इनरोल होता है
मतलब सीबी यूनिवर्सिटी में, तो उसको फ्री एयरपोर्ट पिकअप भी है, बशर्ते अगेन उसको पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो कशिश, आप थोड़ा सा रेजिडेंस के बारे में और बताइए। रेजिडेंस के बारे में जितना सर ने बताया बात बिल्कुल सही है कि आपको पहले ही रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आप यहाँ की फ़ीस पे करते हैं उसी के साथ यहाँ पे इस चीज़ की भी फ़ीस पहले ही जाती है जो आप अकोमोडेशन रखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं जो चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे रहने का ये है कि यहाँ पे हर कल्चर के लोग मिलेंगे आपको, अफ्रीकन अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन एशियन हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, और सब अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको एक अच्छे इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे। गुड, तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट आता है, जैसे कशिश ने बताया, ये 100% ट्रू है कि अगर हम निकल के आते हैं हरियाणवी और पंजाबी लैंग्वेज से, तो यहाँ हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते फॉरनर से या अपने एम्प्लॉयर से या अपने मेंटर से अपने फैकल्टी से। तो इस प्राइवेट इस अकोमोडेशन में, गवर्नमेंट जो अपना यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन, इसमें रहने का फ़ायदा यही है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू कम्युनिकेट विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जब आप कम्युनिकेट करते हैं डेफिनेटली आपकी हरियाणवी और पंजाबी तो निकलती नहीं, वो इंग्लिश ही निकलती है। जब इंग्लिश निकलती है तो अपने आप को इम्प्रूव करते हो आप मेंटल लेवल पे भी, और आपकी जो पर्सनलिटी है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होती है, और उसका फ़ायदा यही निकलता है कि 6 मंथ बाद जब आप जॉब के लिए निकलते हैं तो डेफिनेटली अच्छे लेवल पर आपको जॉब मिलती है। इससे आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होती होती है, आपकी पढ़ाई भी अच्छे लेवल पे जाती है क्योंकि आपको फैकल्टीज़ का समझाया हुआ सारा समझ में आता है, प्लस में आप जब एम्प्लॉयर से बात करते हैं तो अच्छे तरीके से अपने आइडियाज़ शेयर कर पाते हैं। आइडियाज़ किस लिए शेयर कर पाते हैं, क्योंकि आपको अब जो यहाँ की एक्सेंट है वो समझ में आ रही है और आपको एम्प्लॉयर की लैंग्वेज समझ में आ रही है और उसको चाहिए भी है।